हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक फ्लावर वास बनाएंगे कुछ अलग तरीके से, लेकिन सबसे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमें वास बनाने के लिए इस तरह का शिल्पकार यूज होगा, फेविक्रिल का शिल्पकार है ये। ये मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं मिला था, एमसील बोलते हैं इसे, कि हम कहाँ से लें क्या लें। इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको कहीं भी शॉप्स पे मिल जाएगा, ये आसपास की स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाता है। अगर आपको कहीं भी ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं। फेविक्रिल का शिल्पकार कहते हैं इसे, ये आराम से आप ये यूज कर सकते हैं क्राफ्टिंग में। हम इस तरह की आज लीफ बनाएंगे क्राफ्टिंग में। एक वास, पुराना कोई भी वास आपके पास पड़ा हो, पुराना पहले का यूज्ड वास जो आपको कुछ काम नहीं आ रहा, वो यूज करके आज हम बनाएंगे। इस तरह की सुतली हम लेंगे जो आसानी से हर जगह मिल जाती है सुतली। कुछ कलर पेंट हमें चाहिएगा और रोलिंग पिन। बस चलिए शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले हम वास लेंगे, इस पर हम पूरे पर सुतली लपेटेंगे इसमें हम ग्लूगन की हेल्प लेंगे और पूरे में इस तरह से सुतली को लपेट देंगे। ग्लूगन लगा के पूरे वास को हम सुतली से कवर कर देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ग्लूगन ना हो तो आप इसे फेविकोल से भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि ग्लूगन ना हो तो हम क्या करें। मैंने कई बार ही बताया है, अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सब काम फेविकोल से इजीली कर सकते हैं। बस सिर्फ सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये ग्लूगन से हमारा काम थोड़ा फास्ट होगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ये देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसी तरह आगे की सारी लाइनों को सुतली से बना देंगे। देखिए आधा वास तक हो गया हमारा तकरीबन। इसी तरह हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। इसी तरीके से हम ऊपर तक ले आएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ की शेप कैसे देते वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा वास इस तरह का शेप में है। कई कई वास सीधे होते हैं लेकिन ये शेप में है, तो मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे लगाएंगे। देखिए एकदम कॉर्नर पे आ गए हम, एकदम अब किनारे पे हमें लगाना है शेप के आसपास भी इस तरीके से। ये देखिए अभी इधर नीचे लगा देंगे इसके पास को, हमने उल्टा कर दिया। इस तरीके का हम पूरा शेप को ही कवर कर लेंगे। अगर आपके पास में सीधा वास हो तो कोई नहीं है, सीधे में तो आराम से लग जाएगा, अगर कुछ इस तरह का हो तो उसमें भी लग जाएगा। इसमें मैंने पुराना वास यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किसी पर भी बना सकते हैं ये इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए पूरे पे लग के रेडी हो गया है, पूरे पे हमने लगा लिया है चुतली। अब हम सबसे पहले इस पर पेंट कर देंगे। एक्रेलिक पेंट लिए हैं मैंने, मैं इस पर ब्लू ले रही हूँ। कलर चॉइस आपकी, आप कुछ भी कलर अपनी चॉइस से ले सकते हैं, मैंने ब्लू लिया है इस पर नॉर्मल, जिस तरह से पेंट करते हैं उस तरह से अच्छे से कलर से पेंट करना है।
ताकि हमारी पूरी सुतली छुप जाए। सूखने के बाद में लाइनें आपको अपने आप दिखाई देंगी सुतली की। इस तरह से हम पूरे पॉट को पेंट कर लेंगे। देखिए हमारा पूरा ये पेंट हो गया, मैंने इसमें थोड़ा अंदर भी कर दिया है। पूरा पेंट करने के बाद में इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से। अब हम सबसे पहले एमसिल लेंगे, एमसिल को मिक्स करेंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कैसे करना है। इसमें दो तरह की होती है, इसे दोनों को हमें लेना है। और पूरे पूरे को मिक्स करना है। कोई भी टेलकम पाउडर के हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे। टेलकम पाउडर इसलिए कि हाथों पर चिटके नहीं। और इस तरह करते हुए हमें पूरा एक सारे एक गोला बनाना है। देखिए हो गया है, ये एमसिल रेडी हो गई। अभी इसे टेलकम पाउडर की हेल्प से हम पूरा रोल कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से बेल लेंगे। और ये कुकी कटर है जो आसानी से मिल जाता है, इससे हम इस तरह का शेप एक कटिंग कर लेंगे। इस तरह की हम शेप बना लेंगे। मैं इस तरीके से हम कुकी कटर से कटिंग कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने आपको और एक और बताई थी टेक्निक, नहीं हो कुकी कटर या कोई भी मोल्ड आपके पास में, सिंपल है बहुत। इस तरीके से पहले हाथ पे ले लें और इस तरह रोल करने के बाद में टेलकम पाउडर की हेल्प लें, तो चिपक जाएगा ये। इस तरह से हम प्रेस करते हुए ये देखिए शेप दे देंगे, बिल्कुल इसी तरह की शेप हो गई है। इस तरह से हम लीफ बना देंगे और बाद में हम इस पर देखिए टेलकम पाउडर कम होने से ये चिपक गया और इसकी शेप बिगड़ गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टेलकम पाउडर का यूज़ करना है और शेप प्रॉपर रखनी है। अब इसमें हम कटर की हेल्प से मार्किंग देंगे, पहले सेंटर में देंगे। इसमें लीफ की नहीं देंगे हम, लीफ में तो हम क्रॉस करते हैं, हम स्ट्रेट में ही करेंगे। स्ट्रेट में क्रॉस क्रॉस करके हम इस तरह की मार्किंग दे देंगे इस पर। इस तरह की हम काफ़ी सारी लीफ शेप किए बना के रख लेंगे और अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए ये आ गई बिल्कुल जो मैंने हाथ से बनाई है, उस पर भी इसी तरह की हम मार्किंग दे देंगे। चाहिए तो सिर्फ पॉइंटेड करना है, हम पॉइंटेड कर लेंगे इसे और इसी तरह हम मार्किंग दे देंगे। इसी तरह की हम काफ़ी सारी बना लेंगे। ये देखिए मैंने बना के रखी हुई है और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें एक पीकॉक का शेप बनाना है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इस तरह से पहले रोल कर लीजिए, थोड़ा मोटा ही रोल रखना है हमें। और सिंपल जो हम एस बनाते हैं, ये देखिए सिंपल सा एस बनाना है हमें इस तरीके का। बीक के लिए हमें इस तरह प्रेस करके पॉइंट दे देना है, ठीक है। इस तरह की हमारी शेप हो गई, पीछे से हम इसे निकाल देंगे। सिंपल सा एस रखना है, इसे पॉइंट करके फ्लैट कर देंगे। देखिए बहुत बेसिक हमारी ये जो शेप होती है पिकॉक की, ये बन गई है, एकदम बेसिक शेप है। इसे अब हम उठा लेंगे
और इसी तरह से हमारे पॉट पे हम इसे फेविकोल लगा के इस तरीके से चिपका देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए पीकॉक को हमने रख दिया सर चिपकाने के, सूखने के लिए। अब हम इस पर जैसे मैंने आपको लीफ की शेप बताई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से एक रोल कर लेंगे, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला। टैल्कम पाउडर के हेल्प लेके हम इसे इस तरह से यहाँ से पॉइंटेड और यहाँ से इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम पीकॉक का पंख बना रहे हैं वैसे, कोई शेप का इसमें ये नहीं है, थोड़ी आगे पीछे होगी शेप चलेगा। देखिए इस तरह की, और थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हल्की थिकनेस रखनी है इसमें। इसे अब हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे, नीचे हम लगा देंगे फेविकॉल और इस तरीके से हम पूरा, ये देखिए फिर रख के बता रही हूँ, मैंने फेविकॉल नहीं लगाया था, इस तरीके से ये देखिए इसे हम चिपका के रेडी कर लेंगे। ये लग गया, इसे हमने चिपका दिया। अब जब ये गीला है, अब इसमें गीले में ही काम करना है, इसे सुखाना नहीं है। ये जो हमने सुखा के रखे थे पीकॉक के पंख लीफ की शेप में जो बनाए थे, अब इसे कैसे लगाना है, हम यहाँ पे फेविकोल यूज करते रहेंगे साथ में। पॉइंटेड जो है पोर्शन वो हमें ऊपर रखना है और इसके अंदर हमें इस तरीके से लगा देना है। यहाँ हम पूरा फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से, ताकि कहीं से भी निकले नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके अंदर लगाना है। इसी तरीके से हमें पूरे पीकॉक के चारों तरफ लगा देना है। हल्का हल्का हम स्लांट कर देंगे, बहुत खड़ा होगा तो। इस तरीके से रैंडमली आगे पीछे पंख, ऐसा नहीं है कि हम एकदम ही लाइन में लगा सकते हैं या कुछ ऐसे, बस ध्यान रहे हम पॉइंटेड पोर्शन ऊपर रखेंगे हल्का सा से, हल्का सा एकदम खड़ा है की जगह हल्का सा हम इसे स्लांट करते जाएंगे, बहुत एकदम खड़ा नहीं रखेंगे। ये गीले में इसलिए करें ताकि फेविकोल के साथ साथ क्ले जब सूखे तो हमारे ये पंख भी सूख जाएं पीकॉक के पूरे। इसी तरीके से हम जो हमने पूरी शेप बनाई है, पूरी शेप को हमें इसी तरह से कवर करना है। देखिए हमारे पंख लग गए हैं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे पीकॉक की बीक आ रही है और देखिए अब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है ये पंख का, ये पंख सीधे हैं, हल्का स्लांट ऊपर गए हैं। अब हम इसे हल्का सा यहाँ शेप देके इस तरीके से और ऊपर लेंगे, ताकि हमारा पॉट भी कवर हो जाएगा और ये कहीं से भी रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके लिए मैं वापस एमसील लेनी है। ये मैंने एक साथ में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि एक साथ में बताती तो आपको शेप बनाने के लिए प्रॉपर नहीं बैठती थी। अगर मैंने टुकड़े टुकड़े में बना रही हूँ तो शेप एकदम बैठ जाएगी प्रॉपर, इसलिए मैंने आपको एक साथ में शेप नहीं बताई कि यहाँ तक लेनी है। बिल्कुल उसी तरह से हम इसे हल्का सा लंबा रख लेंगे। इसमें जो बेस की शेप है वो खास मायने नहीं रख रही है, क्योंकि उस पर हमारा आपने देखा पूरी तरह से ये हमने पंख लगा दिए तो पूरा चुप गया, वो हमने सिर्फ चिपकाने के लिए एक बेस लिया था एक तरीके से। इस तरीके का हम एक पॉइंटेड से शेप थोड़ी सी देख लेंगे जो हमारे इसको सेट हो जाएगी। थोड़ी हम शेप इस तरह से कर देंगे, ये देखिए ये हमारी शेप आ गई है और इसे हमने पूरा इस तरह से ऊपर उठा दिया। ये देखिए ये बीक के काफी नजदीक आ गई है,
इस तरीके से, इसे आप पूरा फेविकोल लेके फेविकोल से चिपका देंगे हम। देखिए हमारा ये लग गया है। अभी हमें जिस तरह से हमने सारे पंख लगाए उसी तरह से हमें बाकी भी लगाना है। फेविकोल ले लेंगे हम उसी तरीके से, चाहिए तो हम पूरे पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से फेविकोल लगा के देखिए जैसे हमने आगे का बनाया बिल्कुल वैसे ही हम पीछे का बना लेंगे। देखिए हमारा ये लग के रेडी हो गया है। ये देखिए मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। स्टार्टिंग में देखिए लगने के बाद पता ही नहीं चल रहा हमने कहाँ पे जॉइंट किया है। अगर एक साथ बता देते तो इतना लंबा आपसे बन नहीं पाता, इसलिए मैंने टुकड़े में बताया। ये देखिए ये पूरा हो गया। अब इसे अच्छे से सूखने के लिए 3-4 घंटे छोड़ देंगे। जब पूरा फेविकोल ड्राई हो जाएगा और ये सूख के एकदम कड़क हो जाएगा तब तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा सूख के रेडी हो गया है, बिल्कुल सूख गया है पूरा अच्छे से। अब इस पे हम कलर करेंगे। सबसे पहले हम इस पर व्हाइट बेस दे देंगे पूरा, पूरा अच्छे से हम इस पर व्हाइट कलर कर देंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे अब कि हमारे ब्लू पोर्शन पे नहीं लगे। पूरे को हम अच्छे से देखिए इस तरह से इसके जो पंख है उस पर आ जाएंगे हम। और पतली ब्रश हो तो पतली ब्रश लेके पूरा अंदर तक हमें इसमें कलर करना है ताकि कहीं से भी हमारा फेविकोल या एमसिल दिखाई ना दे। छोटी राउंड ब्रश हो तो राउंड ब्रश का यूज करके आप कर सकते हो, छोटी फ्लैट ब्रश हो वो यूज करके कर सकते हो। देखिए इस तरह से हम पूरे पीकॉक में हम कलर कर देंगे अच्छे से। देखिए हमारा पूरा वाइट रेडी हो गया है बेस कोट लग के। इस पर हम गोल्डन पेंट करेंगे। सेम एक्रेलिक में गोल्डन भी आता है, इस तरह लेंगे और पूरे पीकॉक को हम गोल्डन करेंगे। अच्छे से पेंट लेंगे इस तरीके से। आराम से पेशेंसली हम पूरे पीकॉक को गोल्डन पेंट कर देंगे। जिस तरह से हमने इसके पंख किए उसी तरह हमें पूरे पीकॉक पे करना है। इस तरीके से हम पूरा गोल्डन कर देंगे। देखिए ये कलर होने के बाद में ऐसा लगेगा, पूरा कलर होने के बाद में अगर आपको कहीं से बाहर इधर कलर निकल जाता है तो वापस आप ब्लू कलर कर सकते हैं उस पर फिनिशिंग के लिए। अब इसकी बीक बनाएंगे। रेड कलर ले लेंगे हम। ये जो हमने बीक के लिए पॉइंटेड किया था उस पर हम रेड कलर फिनिशिंग से कर लेंगे। ये देखिए
रेड कलर होने के बाद में देखिए बिग बन गई। अब इस पर हम इसकी आँख बनाएंगे। आँख बनाने के लिए मैंने देखिए इस तरह के स्टोन है, इसे ब्लू कलर का स्टोन अच्छा लग रहा है, इस पर हम ब्लू कलर का स्टोन लगाएंगे, फेविकोल लगा देंगे हल्का सा और उस पर ये स्टोन इस तरह से लगा। सूखने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए बनने के बाद में इसका शो ऐसी आ रही है। इसे मैंने वास पे बनाया है, आप इसे बॉटल पे बना सकते हैं, ग्लास पे बना सकते हैं, कोई भी कंटेनर पे बना सकते हैं। किसी को भी गिफ्ट देने के लिए आप इसे इस तरह का डेकोरेट करके आराम से बना सकते हैं। इसे वास में बना के हम फ्रेश फ्लावर से भी अरेंज करके किसी को गिफ्टिंग कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल फ्लावर से भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं लग सजा के। कुछ अलग तरह की बनाने की हमने आज कोशिश की है, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ना कलर यूज़ किया हमने या बहुत कुछ मीडियम यूज़ नहीं किया है, सिंपल से एक वास को हमने कुछ अलग अंदाज दिया है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।